हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा राजस्थान से आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज आपको शेरशाह सूरी अर्थात शेरगढ़ किला आपको दिखाने वाला हूं, जो कि फिलहाल ऐसे स्थिति में है कि कुछ ही जो सालों में आने वाले सालों में यह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह किला जो है वो भारत की शान है और इस किले की मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। और दोस्तों, इस किले को अब ऐसी जगह और ऐसा स्थान हो चुका है यहाँ पर कि जो आता है उसको डर लगता है और यहाँ पर भयानक आवाज़ें भी आती हैं। दोस्तों, यह बहुत ही इसका एक टनल है जो कि अंदर तक जाता है, लेकिन दोस्तों इसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यह किला बहुत ही भयानक है और डरावनी आवाज़ें भी आती रहती हैं। यह भी एक टनल है दोस्तों जो कि बाहर की तरफ निकलता है और यह शायद एक गेट भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही भयानक यह किला होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्ट इस वीडियो में आपको आने वाला है। दोस्तों, अगर इस किले की रखवाली या कहें तो मरम्मत नहीं कराई गई तो दोस्तों यह किला और भी खंडर हो जाएगा आने वाले सालों में। और दोस्तों, इसकी आपने कभी सुनी जरूर होगी इसकी कहानी, इसका खंडर होने का राज। दोस्तों, इसको श्रापित किला भी माना जाता है। इसको किसी टाइम बहुत अच्छा किला हुआ करता था, लेकिन किसी श्राप के कारण यह किला बिल्कुल तहस नहस हो चुका था और इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर आना या जाना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा ऐसे राज इस किले के मैं आज खुलासे करने वाला हूँ जो कि आपने शायद पहले किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। दोस्तों, यह इसके नीचे पहाड़ी के ऊपर अपन है और नीचे जो है वो नदी आपको दिख रही है। अगर यहाँ से कोई भी बंदा अगर गिरता है तो वह सीधा नदी में गिरेगा और उसकी बचने की कोई भी आशंका नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आएँ तो आप सावधानी और सुरक्षित रहें। सावधानी से कोई भी कार्य सावधानी से करें और आप एक सुरक्षा के साथ में यहाँ रहें। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अकेले कभी मत आइएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी एक टीम जरूर लेकर आनी है। एकले या दो बंदे नहीं आना है दोस्तों। यहाँ पर आपको कम से कम पांच बंदे और पांच बंदों से ऊपर ही आपको आना है। दोस्तों, हम भी हमारी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, सामने बिल्कुल खंडर हो चुका है यहाँ का जो महल है और हम आपको बहुत कुछ इसका नज़ारा दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम अब आगे की ओर चलते हैं और भी बहुत कुछ देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे चलते हैं और देखिए दोस्तों, यह भी एक गेट ही है और यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा रास्ते इसके अंदर बनाए गए हैं और देखिए कितनी अच्छी नक्काशी निकाली गई है ऊपर और बहुत ही अच्छा एक गुलदस्ता या कहें तो फूल के रूप में बनाया गया है। दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और अपन बहुत ही अच्छे नज़ारे देख रहे हैं। और दोस्तों, ये देखिए आगे जो यह है, ये भी एक महल है और रहने का एक तहखाना मानिए इसको। यहाँ पर पहले के राजा महाराजा जो थे वो रहा करते थे। बहुत ही सुंदर इस महल को बनाया गया है, लेकिन दोस्तों यह एक संरक्षण के तौर पर बिल्कुल ही खंडर हो चुका है। इसकी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है दोस्तों। दोस्तों, हमें पहला तहखाना दिख चुका है और हम आगे बढ़ते हैं उस तहखाने की ओर और देखते हैं कि उस टनल के अंदर क्या है और हमें उसका अंदर का नज़ारा कैसा दिखता है। तो दोस्तों, जो सामने आप देख पा रहे हैं यह एक तहखाना है और इस तहखाने के नीचे क्या है, हम इसके अंदर जाते हैं और हमने हमारे मोबाइल की टॉर्च
जला ली है और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी जीव जानवर या कहीं तो सांप कुछ भी हो सकता है और इसके अंदर बहुत ही डरावना है दोस्तों। लेकिन आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है दोस्तों। बहुत ही गहरा यह तहखाना है और इसके अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दिख पा रहा है, कोई हल्की हल्की हमें दीवारें दिख रही हैं इस टनल की। और अब इसके अंदर हमें काफ़ी डर भी लग रहा है, लेकिन आपके लिए वीडियो तो ज़रूरी है बनाना। लेकिन दोस्तों बहुत ही डरावना यह है मंजर है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें जाना तो पड़ेगा इस टनल के अंदर और आपको सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब निकलते हैं इससे बाहर, इसके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है, इससे बाहर हमें निकलना पड़ेगा। चलो फिर भी आपको और कुछ दिखाते हैं दोस्तों, बहुत ही कुछ इसके अंदर राज छुपे हुए हैं और रहस्य इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं और ग्रुप के अंदर ही यहाँ पर लोग आते हैं और जब भी जाके इस किले को देख कर जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस किले से बाहर निकलना होगा और हम इस किले से बाहर निकलेंगे तभी जाके हमें सांस में सांस आएगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आपने बहुत कुछ देख लिया है इस किले के अंदर और यह किला एक रहस्यमय किला है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टनल कहीं या फिर कहीं तो तहखाना बना हुआ है। दोस्तों अपन चलते हैं और चलते हैं दूसरे तहखाने की ओर, जो कि इससे बहुत बड़ा तहखाना है, उसके अंदर हमें बहुत सारे राज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सामने हमारे एक दूसरा तहखाना है जो कि बहुत बड़ा तहखाना हमें मिल चुका है और इसका मंजर खौफनाक होने वाला है। लेकिन दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आप वीडियो में आपको बहुत ही कुछ घर बैठे हम दिखाने वाले हैं, जो कि आप शेरगढ़ किले के रहस्य आपको दिखाने वाले हैं और इस टनल के अंदर क्या है आपको यह भी मैं दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही खौफनाक मंजर है, इसके अंदर जाने से भी हमें डर लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई भी भयानक जानवर हो सकता है या कहीं तो दोस्तों इसके अंदर सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है या फिर कहें तो हमें हमारी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों जाना तो पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या हमें दिखने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर ये छोटे छोटे भी टनल है, लेकिन दोस्तों पता नहीं इसके अंदर क्या है, यह एक ऐसा गोपनीय रास्ते हैं या कहें तो गोपनीय सुरंग हैं जिसमें जो सैनिक थे शेरशाह सूरी के वो छुप जाते थे और जो बाहर से कोई भी उन पे हमला करने आता था तो उनको कभी नहीं मिलते थे और उनको एक चकमा दे जाते थे। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा इसके अंदर का नज़ारा है, लेकिन डर का खौफ भी हमारे साथ में बना हुआ है, लेकिन क्या करें दोस्तों। और ये सबसे बड़ा टनल है, शायद मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक रहते होंगे। लेकिन दोस्तों बाहर से बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई तहखाना हो सकता है या कहें तो यहाँ पर टनल हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जाने से बहुत ही खौफनाक मंजर हो जाता है, लेकिन यह पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा दूरी पर फैला हुआ है और कोई पता नहीं है इसके नीचे कितने टनल बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी अपनी वीडियो होने वाली है और चारों तरफ से आप देखते जाइए कितने अच्छे नज़ारे हैं अंदर के। अगर यहाँ पर रोशनी मिलती तो बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का होता, लेकिन दोस्तों क्या करें, यहाँ पर रोशनी क्या दोस्तों, इसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है और यह धीरे धीरे एक खंडर का रूप लेता जा रहा है। दोस्तों इसको सरकार को इसकी संरक्षण करना चाहिए और इसको कुछ मजबूती करें और इसकी कुछ देखभाल करें तो यह किला भी एक पर्यटक स्थल से बहुत ही अच्छा किला है। लेकिन दोस्तों अपन भी क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा सांस घुटने लगा है, हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और हम बाहर निकल कर आगे चलते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे भी ऐसे ही व्लॉग हमारे चैनल पर आते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बटन।